हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरो के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और रिसेंटली कुछ मैच भी हो गए हैं, जहां पे हर एक मैच में हर एक टीम का काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 31वें मैच की, जो कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में जंग देखने को मिलेगा, जहां पे एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स है तो वहीं दूसरी साइड राजस्थान रॉयल्स की टीम है। दोनों टीम टॉप 3 में स्टेबल और इस वक्त बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है और मैच भी बराबरी का देखने को मिलेगा। यह मैच आपको 16 अप्रैल को कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन के अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 28 मैच खेले गए हैं, जिसमें से कोलकाता 14 मैच जीत के आ रही है और राजस्थान 13 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 53% रहेगा और टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे ईडन गार्डन के पिच सामान्य तौर पर स्पिन बॉलर्स को थोड़ा सा हेल्प करती है, लेकिन पिच बैटिंग के लिए भी अच्छी है। पिछली बार जब यहाँ पे कोलकाता और लखनऊ का मैच हुआ था, उसमें पहली इनिंग में 160 रन बने थे। यहाँ पर टॉस जीतकर टीम यहाँ पर पहले बॉलिंग करना पसंद करेगी। अब अगर बात करते चलते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 39% जीतने का चांस है, तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 59% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 164 है, वहीं पर सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 150 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी कोलकाता नाइट राइडर्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने अब तक टूर्नामेंट का बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। टीम में आपको पॉजिटिव अप्रोच भी दिखाई दे रहा है, टीम खुलकर भी खेल रही है, टीम हर डिपार्टमेंट में हिट चल रही है। टीम ने अब तक 5 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मैच में जीत हासिल की। वहीं लास्ट गेम में बात करेंगे, जहां पे टीम ने लखनऊ को हराया था, वहीं अगर ओपनिंग में बात करेंगे, जहां फिलिप्स और स्विन लाइन की जोड़ी देखने को मिल रही है, जो कि पावर प्ले में ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। सॉल्ट ने जहां पे लास्ट गेम में 89 रन बनाए थे, नंबर 3 पे जहां पे एंग्री रघुवंशी, जो कि लास्ट गेम में फ्लॉप थे। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करेंगे, जहां पे वेंकटेश अय्यर और श्रेयस अय्यर, जो टीम को रन बनाना चाहिए, श्रेयस अय्यर जब स्टैक रोटेट इंक्रीज करना होगा। वहीं पर लो ऑर्डर में जहां पर रिंकू सिंह, एंड्रे रसल, जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग भी कर रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग में बात करेंगे, जहां पर टीम ने 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ खेल रही है, जहां पर मिचेल स्टार्क ऑफ फॉर्म में हासिल कर लिया, लास्ट गेम में उन्होंने 3 विकेट लिए थे, जहां पर हर्षित राणा अब तक 5 विकेट लिए हैं। वहीं पर वैभव अरोड़ा, जो कि लास्ट गेम में 1 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में जहां पर सुनील रैना और वरुण चक्रवर्ती, जो कि इकोनॉमिक स्पेल भी डाल रहे हैं। अब बात करते हैं कोलकाता का प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ के फिलिप सॉल्ट है, सुनील नारायण है, वेंकटेश अय्यर है, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह है, एंग्रीस रघुवंशी है, एंड्रे रसल है, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें, जो कि अनुकूल रॉय है, सुभाष शर्मा, मनीष पांडे, गुरबाज है, रमनदीप सिंह है। कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि फ्लिप सॉल्ट है, सुनील नारायण और मिचेल स्टार्क है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी राजस्थान रॉयल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे रॉयल्स की टीम इस साल अलग ही फॉर्म में दिख रही है। टीम टूर्नामेंट की बेस्ट परफॉर्मेंस कर रही है, टीम ने लगातार 4 मैच जीतकर टूर्नामेंट का बेहतरीन स्टार्ट भी किया, लेकिन फिर एक हार मिली उसके बाद लास्ट गेम में जहां पे पंजाब को हराकर वापसी की। टीम 6 में से 5 मैच जीतकर टॉप पे स्टेबल है। ओपनिंग में बात करेंगे, जहां पे यशस्वी जसवाल का बल्ला इस सीजन में खामोश है, उनके बैट से रन नहीं निकल रहे हैं। जहां पे जॉस बटलर, जो कि लास्ट गेम से बाहर थे, उनके जगह रोहन पॉल के चांस मिला था। वहीं नंबर 3 पर जहां पे कप्तान संजू सैमसन, जो कि जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। वहीं नंबर 4 पर जहां पे रियान परगा, जो करियर का बेस्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है, वहाँ 6 इनिंग में उन्होंने 279 रन बना दिए। फिनिशिंग के लिए जहाँ पे लॉर्ड रन में सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरल, जो टीम को जिता रहे हैं। वहीं बॉलिंग में टीम 5 रेगुलर बॉलर्स के साथ खेल रही है, जहाँ पे 10 बॉल टीम के हेड है। अफ्रीका के स्पिनर केशव मजा, जो कि IPL में डेब्यूट किया है, लेकिन 2 विकेट भी लिए हैं। वहीं पर आवेश खान ने, जो कि लास्ट गेम में 2 विकेट लिए थे। स्पिन बॉलिंग में जहाँ पे अश्विन और युजवेंद्र चहल है, चहल ने 11 विकेट के साथ पर्पल कैप होल्डर भी पहन लिया। अब बात करते हैं राजस्थान का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि यशस्वी जसवाल है, जॉस बटलर है, संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरेल है, सिमरन हेटमायर है, रविंद्र अश्विन है, युजवेंद्र चहल है, आवेश खान है, केशव महाराज है और ट्रेंट बोल्ट है। अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करें, जो कि रोवन पॉवल है, तनुष कोटिया, कुलदीप सेन है, नवदीप सैनी और कोलर कैडमोर है।
वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि संजू सैमसन है, रियान पड़ियाग है, यूजी चहल है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर के। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर कोलकाता हो गई। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो यहाँ पे मैच विनर भी कोलकाता की टीम हो गई। यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को हार मिल सकती है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।